हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एडुटेरिया पब्लिशर जो बिहार एसएससी का एक सेट प्रोवाइड करता है, उस सेट को आज हम करने वाले हैं। क्योंकि आज बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम्स है वो लगभग नज़दीक आता जा रहा है, पर जो एडुटेरिया एक पब्लिशर है जो बिहार एसएससी का सेट प्रोवाइड करती है, और उसके फर्स्ट वॉल्यूम में 15 सेट के अप्रॉक्स दिए गए हैं, उसी में से जो पहला सेट है उस सेट को आज हम करने वाले हैं। और आज हम इस सेट में मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट और ट्रिकली मेथड से, जैसे हम ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो उसी तरीके से इस सेट को भी आज हम बिल्कुल ट्रिकली मेथड से, शॉर्ट तरीके से आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं आप, वो लोग बने रहें चैनल्स पर। तो चलेंगे, जो हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन है उससे हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा है बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट और सेट नंबर फर्स्ट, ये आज हम करने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चंस आता है वो बिल्कुल बेसिक से सवाल आते हैं, बेसिक से थोड़ा सा आप मॉडरेट मान सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेट नंबर फर्स्ट है, इसमें मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 20 से हमारा स्टार्ट होता है, राइट। अब यहाँ से दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं बिहार एसएससी सीजीएल में, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डाले गए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल चुन करके डाले गए हैं, और इन सारे सवालों को अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि लगभग आपको यही पैटर्न को बिहार एसएससी भी फॉलो करने वाला है और फॉलो करता भी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला सवाल हमारा दिया गया है 20 नंबर में मैथमेटिक्स का, वो कह रहा है यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि 5 लगातार सम संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसको जोड़ने के बाद जो हमारा योगफल मिलता है वो 80 आता है, तो जो उसमें सबसे छोटी संख्या है वो निकालें। हाँ दोस्तों, इसका बहुत सारे तरीके हैं, चूँकि बहुत तरीके को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, हम जहाँ पे शॉर्टली है वही तरीके यूज़ करेंगे। आपके पास कितने संख्या दिए गए हैं दोस्तों? 5 क्रमागत, क्रमागत यानी लगातार संख्याओं का योग 80 है, तो जो भी योग दिया है आप उस योग को लिख लें। और संख्या कितने हैं? 5 संख्या है, तो 5 से आप डिवाइड कर दें, आपको कितना मिल जाएगा? 16। और जो भी डिवाइड करने के बाद आता है वो बीच वाली संख्या आता है, आप हमेशा इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो 16 से पहले कौन आएगा सम संख्या? 14। और 14 से पहले सम संख्या कौन आएगा? 12। और चूंकि 16 जो था वो बीच की संख्या था, तो 16 के बाद जो सम संख्या होगा वो 18, और 18 के बाद जो संख्या होगा वो 20। अब यहाँ से 5 लगातार क्रमागत कर ले या लगातार कर ले, सम संख्याओं का योगफल आपको 80 आ जाएगा। अब सारे जो भी है 12, 14, 16, 18, 20 को जोड़ लें, आपको 80 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे? छोटी सम संख्या ज्ञात करें, तो ये जो 5 सम संख्या हमारे लगातार मिल गए, तो यहाँ पे दोस्तों जो छोटी संख्या हमारा मिल रहा है वो कौन सा आ रहा है? 12। तो 12 हमारा क्या है? इस सवाल का आंसर। अगर आपसे इसी सवाल में कह दे कि इसमें जो बड़ी संख्या है वो निकाले, तो बड़ी संख्या आपका राइट आंसर कौन हो जाता है? यहाँ से 20 हो जाता, राइट। तो यहाँ पे 2 चीज़ें पूछ सकता है, चाहे छोटी संख्या या बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या अगर पूछे तो फर्स्ट वाले उठा लेना है, बड़ी संख्या पूछे तो लास्ट वाले उठा लेना है। और करना कैसे है? तो वही है, जो भी योगफल है उसको लिख लें, और 5 क्रमागत है तो 5 से डिवाइड किया, कई बार 3 क्रमागत देता है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी डिवाइड करने के बाद संख्या मिलेगा वो आपको कौन सा संख्या मिल जाएगा? बीच वाला। तो उस संख्या को बीच में रख लें, तो 5 संख्या था तो 5 में बीच वाला एक है, यानी 2 पहले होगा संख्या, 2 इसके बाद होगा। अब उसको सम संख्या है, तो 16 से पहले सम संख्या 14, 14 से पहले सम संख्या 12, इसी तरह से 16 के बाद सम संख्या 18, और 18 के बाद जो सम संख्या आएगा वो 20। अब सबको आप जोड़ भी लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि जो छोटी संख्या वो कितना है, तो छोटी संख्या आप यहाँ से देख लें 12, तो 12 इस सवाल के राइट आंसर हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं आगे, जो हमारा है 21 नंबर सवाल दोस्तों, इसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपसे कह रहा है कि 8560, यानी आपसे कह रहा है 8560 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कह रहा 8560 जो देख रहे हैं इसमें से कौन सी संख्या अगर हम घटा दें तो घटाने के बाद जो संख्या हमें मिलेगा वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो कितना घटा दें? तो चले यहाँ पे देखेंगे, चूँकि पूर्ण वर्ग संख्या यानी उसका वर्ग निकलना चाहिए, तो वर्गमूल निकालते हैं, जो भी संख्या दिया रहे 8560 इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो पेयर बना लेंगे पीछे से। वर्गमूल निकालना आप लोग जानते हैं, ये 6th-7th क्लास में पढ़ाया जाता है। यहाँ से कितने बार लग जाएगा? 9 बार लग जाएगा, 9×9=81, तो 9×9=18, ये कट जाएगा 4। अब यहाँ से दोस्तों अगर लगाते हैं 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितने बार लगाएंगे? 2 बार, तो 2 बार ही आप लगाएं, तो कितना हो जाएगा? 182×2,
दो दूना चार, आठ दूनी 16 और दो एकम दो एक 3, 364। अब यहाँ से आप घटा लें तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये बच गया 5, इसमें से ले लेंगे तो 15 मतलब 9 यानी 96। 96 हमारा क्या आ जा रहा है दोस्तों, शेष आ जा रहा है। तो शेष आ रहा मतलब ये संख्या जो 96 है ना ये ज़्यादा है, यानी 96 को अगर हम घटा दें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। यानी अगर 96 नहीं रहता तो क्या होता, पूरा पूरा 92 का वर्ग हो जाता। तो हमको कितना घटाना होगा, जो शेष बच जाएगा आपको वही संख्या घटाना होगा, यानी यहाँ से आपको 96 घटा देना होगा। जैसे ही आप 8560 में 96 घटाएंगे तब वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा किसका, 92 का, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में लगभग पूछे भी जाते हैं। सबसे छोटी संख्या निकालें, यानी इसमें से जो सबसे छोटी संख्या वो निकालें। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या आता है कि आप देखेंगे दो का पावर आप कितना लिख सकते हैं, 1/3, चूँकि जो आपका वर्गमूल में ऊपर करनी के रूप में है वो क्या कर देंगे, 1/2 करके घातांक के रूप में लिख देंगे। तो इससे आप लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3, इसे लिख सकते हैं 3, और वर्गमूल है यानी कुछ नहीं होता तो 1/2 आपका आ जाएगा, चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं है यानी क्या रहता है, 2 रहता है, राइट। लेकिन 2 को लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पे 4 है, क्या है करनी में है 3 है, तो 4 का पावर चला जाएगा 1/3। फिर इसी तरह से 15 को लिख सकते हैं कि 15 का पावर 1/6, जो करनी के रूप में है वो घातांक में जब जाता है तो 1/2 करके चलाता है। अब यहाँ से दोस्तों कुछ नहीं करना, जो भी आपको नीचे में दिए गए हैं वो नीचे वाले सारे पोर्शन को आप लिख लें। इसके बाद आप जो भी ऊपर में है फ्रैक्शन में इसका आप सबका क्या निकालें, एलसीएम। जैसे 1/3, 1/2, 1/3, 1/6, इसमें जो एलसीएम निकाल लेंगे आप तो किसका निकालेंगे, 3, 2, 3, 6 का। तो ये 3, 2, 3, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। तो 12 से सब में आप गुणा कर दें, 12 से गुणा कर दें आप सब में, तो इसको काटेंगे तो 3 चौका 12 यानी 2 का पावर कितना आ जाएगा, 4। इसे काटेंगे तो 6, तो इस पे पावर 6, 3 चौका 12 यानी 4 का पावर 4, 6 दूनी 12 यानी 15 का पावर 2। अब इसमें देखेंगे कि सबसे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन देगा। अगर इसे हम तोड़ते हैं 2 का पावर 4 को तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 देगा, जबकि 3 का पावर 6 है यानी 3 × 3 × 3 कितने बार, 6 बार करना होगा, और 4 को करेंगे 4×16 × 64 × 256 और 15×15 225, यानी सबसे छोटा जो वैल्यू देगा वो 2 का पावर 4 देगा। हाँ, 2 का पावर 4 किसको तोड़े हैं, तो 2 का पावर 4 जो आप तोड़े हैं वो किसको तोड़े हैं, 2 का पावर 1/3, और 2 का पावर 1/3 किसका था, 2 का घन था, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो ये आएगा। अब यहाँ पे पूछता है कि सबसे छोटे ने पूछ के कहा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आप यहाँ पे देख लेंगे तो 3 का पावर जो 6 होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू देगा, तो फिर वहाँ पे राइट जो आंसर हो जाते 3 का पावर 6। आप इस तरह से चीज़ों को जब भी जैसा सवाल में पूछे आप उसका आंसर दे सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला आपसे सिंपल सा कह रहा है कि 0.57 का पावर एकड़िंग है का मान क्या है। तो आप इसमें सिंपल सा लॉजिक याद रखें कि जो भी संख्या दिया गया है उस संख्या को लिख लेंगे, तो 57 संख्या पूरा है पूरे को लिख लेंगे, और जिसके ऊपर रेकडिंग नहीं है उसे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। यानी 5 के ऊपर क्या है, रेकडिंग का निशान नहीं है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और दशमलव के बाद 2 अंक हैं और 1 अंक के बाद रेकडिंग है, तो जिसके बाद रेकडिंग रहे जिसके ऊपर जितने संख्या के ऊपर उसके बाद 1, 9, और जिस पर रेकडिंग नहीं रहे उतने संख्या के बराबर 0। अब इसे आप सोल्व कर लें, जब सोल्व कर लेंगे तो 57 में से 5 चला जाएगा कितना, 52 52/90। आप इसे सोल्व कर लें तो 52 को काटेंगे तो 26 दूना 52, और 90 को काटेंगे तो 45 दूना 90 यानी 26/45, और 26/45 आपके कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें कह रहा है आपसे 24 में ये दिया गया है और कह रहा है कि a+b+c/c का मान निकालें। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर से, तो आप यहाँ पे जो भी नीचे का संख्या होता है वो ऊपर वाले का मान होता है। यानी आपसे कहें कि ए का मान कितना है तो आप कह दीजिएगा 3, बी का मान कितना है तो आप कह दीजिएगा 4, सी का मान कितना है तो आप कह दीजिएगा 7। अब यहाँ से आपके पास तीनों का मान निकल गया। अब आपसे पूछा था a+b+c/c का, यानी आपसे ही पूछ रहा है a+b+c/c का, तो ए का मान, तो ए का मान आपको चाहिए, तो ए का मान कहाँ है, जस्ट उसके नीचे वाला, तो 3 + b का मान
4 और C का मान 7। यानी यहाँ से सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो जिसके नीचे होता है, जैसे 3 A के नीचे, तो A का मान कितना है 3, B का मान कितना है 4 और C का मान 7, मतलब नीचे वाले ही ऊपर वाले का मान होता है। फिर हमको नीचे C चाहिए, तो C का मान कितना है 7, तो 7 आप इसे सोल्व कर लें, 7 × 3 = 10, 4 = 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2। हाँ, 2 इस सवाल के राइट आंसर है। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगली सवाल की तरफ, 25 नंबर सवाल। यहाँ से आपसे कह रहा है कि 64, और ये फार्मूले पे आधारित है। सबसे पहले यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, 0.4 नहीं है, यहाँ पे होगा 0.04। क्वेश्चन को थोड़ा सा राइट कर लेंगे, चूँकि यहाँ पर टाइपिंग ईरर है, यहाँ पर 0.04 होना चाहिए। आगे यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, 64 जो है वो 4 का घन भी है और 8 का वर्ग भी है, लेकिन 8 जो यहाँ पे है वो किसी का वर्ग नहीं, यहाँ पे घन है, यानी आपको यहाँ पे घन के हिसाब से चलना होगा। तो 64 को आप घन के रूप में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 4 का पावर q, 4 × 16 = 64, हाँ माइनस है तो माइनस, 0.008 को आप लिख सकते हैं 0.2 का q, राइट। हाँ, नीचे जो है आप उससे वैसा ही एट इज छोड़ दें, 0.8 ये प्लस है, प्लस 0.04। अब ऊपर वाले को जब तोड़ेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा a और ये होगा b, तो a का पावर, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला दिख जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जो होता है वो होता है, आप हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है। आप इस पे बैठा दें, आप जब इस पे बैठाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमको चाहिए ए माइनस बी, तो ए कितना है 4, तो 4, अब बी कितना है 0.2, तो ए माइनस बी, और यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए बी, तो ए बी 4 × 0.2 कर लें, यानी 0.8, हाँ प्लस बी स्क्वायर, तो 0.2 को स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। अब बट्टे में फिर आपका कितना है 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04। अब देखेंगे जो ऊपर में ये है वही नीचे में ये है, बाकी आपका कितना बच जाता है 4 − 0.2, तो 4 में से 0.2 घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 3.8 आ जाएगा, राइट। यहाँ से एक अलजबरे का फार्मूला जो है वो यूज़ किया गया है, कौन सा फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसके बाद बढ़ेंगे अगली सवाल की तरफ दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा जगह स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा जो है हौच पौच हो जा रहा है बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, समझे समझना सिर्फ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 26 नंबर सवाल LCM का कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 घटाने पर प्राप्त नई संख्या 13, 15, 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको LCM निकाल देना है, किसका, 13, 15 और 18, क्योंकि जिससे जिससे विभाजित होने के लिए कहा जाए आप उस सारे चीज़ों को क्या करें, LCM निकाल दें। तो 13 से भी कट जाना चाहिए, 15 से भी कट जाना चाहिए और 18 से भी कट जाना चाहिए, यानी दिए गए सभी संख्याओं से कटना चाहिए। तो दिए गए सभी संख्याओं से कटना चाहिए यानी आपका जो LCM, तो यहाँ पर जो भी संख्या दिए गए हैं इसका जो LCM आएगा वो आ जाएगा 1170। तो 1170 एक ऐसी संख्या होगा जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाएगा, 15 घटाएंगे तब कटेगा, तो 15 घटाएंगे तब कटेगा, यानी ये संख्या तो कटने वाला ही है, लेकिन कब कटेगा, जब 15 घटाएंगे, यानी जो दिए गए संख्या वो क्या है, इससे 15 और ज़्यादा है, तो 15 जोड़ दें कितना आ जाएगा 1185 आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको जब भी एक चीज़ देखेंगे शॉर्टकट हम बता रहे हैं, जब घटाने के लिए बोला जाए तो आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जब जोड़ने के लिए बोला जाए तो आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, राइट। 27 नंबर सवाल में दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक घनाभ की बीमाओं मतलब उसका जो साइड होता है वो भुजा जिससे आप कह सकते हैं, बीमाओं में 2:3:4 का अनुपात है, यदि उसकी आयतन 3000 घन सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कह रहे एक घनाभ है जिसका जो लंबाई है वो 2 है, चौड़ाई जो है वो 3 है और ऊंचाई जो है वो कितना है 4 है, यदि उसके आयतन 3000 है, यानी आयतन दिया गया है। और देखिए एक चीज़, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के जो दिया गया वो किस में दिया गया, अनुपात में, तो अनुपात जब भी रहे तो हम क्या करेंगे उसके साथ एक ऐड कर लेंगे, लगा लेंगे,
आप कह रहा है उसका जो आयतन है वो 3000 है, तो आयतन किसका? घनाभ का। हाँ, घनाभ का आयतन आप क्या जानते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी एल गुने बी गुने एच। तो एल गुने बी गुने एच कर लीजिए, 2x × 3x × 4x। तो ये क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई किसको देता है? आयतन को। और आयतन हमारा कितना दे रखा है? 3000। तो 3000 यहाँ से जब गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12 × 24। x × x × x कितना आ जाएगा? x³ = 3000। तो x³ का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 125 बार जब आप काटेंगे तो कट जाएगा। या आप ऐसे ना करें तो आप ऐसे कर लें, देखें 3000 है तो 3000 रहने दीजिए, और 24 यहाँ पे क्या आ जाएगा? बटे में। इसे जब आप काटेंगे तो 1000 × 3000 और ये 8 × 24, यानी x³ आपका कितना आ जाएगा? 1000/8। अब इसे क्या कर लें, x³ 1000 जो है वो किसका है? 10 का घन है, और 8 जो है वो 2 का घन है। इसको क्या कर लें? 3, तो कट जाएगा। यानी x का मान कितना होगा? 2 से काट दे 10 तो कितना? 5। यानी x का मान कितना आ जाएगा? 5। यानी लंबाई जो है तो x के जगह 5, तो 5 × 10, चौड़ाई जो है 5 × 15, और x का मान 5 है तो 5 × 20। यानी लंबाई 10 है, चौड़ाई 15 है, और ऊंचाई 20 है। आपसे क्या कह रहा है? तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जो घनाभ है उसका संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × LB + BH + LH। अब आप इस फार्मूले पे बैठा दें, आपका आंसर आ जाएगा। हम इसको यहीं पे छोड़ दें, चूँकि ये सवाल अब कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है। 2 कांस्टेंट है × LB, तो L का मान दे देंगे 10 और B का मान 15 + BH, B का मान 15 और H का मान 20 दे देंगे, प्लस L का मान यहाँ से फिर दे देंगे 10 और H का मान दे देंगे 20। अब बस डाल करके इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। और इसका आंसर आपका कितना आ जाना चाहिए था? 1300 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर यानी क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल किस में निकलता है? वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर सवाल, इसमें आपसे कह रहा है एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी आंतरिक और यहाँ पे है बाय त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, उसका वर्ग पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो निकाले। तो यहाँ पे क्या है? पाइप है, और पाइप को क्या कहा जाता है? बेलन भी आप कह सकते हैं, यानी बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। और बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको कैसे निकालना है? चूँकि 2 त्रिज्या है, एक छोटी वाली यानी अंदर का त्रिज्या है, और एक बाह्य त्रिज्या यानी बाहर का त्रिज्या है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा, यानी अंदर और बाहर दोनों को जोड़ करके आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका? पाइप है उसका। पाइप क्या होता है? बेलन। तो बेलन का अंदर का भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बाहर का भी। तो अगर हम अंदर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो अंदर का जो त्रिज्या होता है वो स्मॉल आर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRH। तो 2πRH स्मॉल वाला आर दिया, यानी अंदर अंदर जो था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो निकला। आप प्लस अब बाहर का निकालना है, तो बाहर भी आप क्या है? बेलन ही है, तो उसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2πRH। लेकिन अंतर क्या होगा कि बाहर वाला का जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर मानेंगे, चूँकि उसका अलग आर है, और एच तो जितना बेलन का था उतना अभी भी रहेगा, यानी जितना पाइप का था उतना अभी भी रहेगा। अब यहाँ पे दोनों में कॉन्स्टेंट क्या है, क्या कॉमन ले सकते हैं? 2πH इसमें भी है, 2πH इसमें भी है, तो 2πH कॉमन ले लें। 2πH इसमें क्या बच जाएगा? स्मॉल आर, प्लस इसमें क्या बच जाएगा? कैपिटल आर। तो 2π का मतलब 22/7, और एच का मतलब आपका दिया हुआ है यहाँ पे 125 जो लंबाई है, और स्मॉल आर 3 है और कैपिटल आर 4 है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका 125 × 3 + 4, तो 4 × 3 = 7, 7 कट जाएगा। आप इससे जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो 22 × 44 और 125 को जब गुना कर लेंगे आप, तो इसका कितना राइट आंसर आ जाएगा? 5500। तो 5500 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके आ जाएंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी ऐसा क्षेत्रफल जो अंदर का भी कंबाइंड है और बाहर का भी कंबाइंड है दोनों लेकर के। अब यहाँ पे चलेंगे आगे, जो है वो ट्रिगो का एक सवाल है, और ये बहुत आसान सा सवाल है, सिर्फ आपको वैल्यू याद रहना चाहिए डिग्री का। 1 − sin 60, तो 1 − sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 बटा cos 60। cos 60 का मतलब होता है 1/2। अब इससे आप क्या कर लें? सोल्व कर लें, 2 इधर सोल्व कर लें, 2 − √3, बस एलसीएम ले करके जैसे आप फ्रैक्शन का जोड़ घटाव बनाते हैं वैसे बना लें, बाई 2। और नीचे कितना था? 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा,
यानी 2 माइनस √3/1, तो 1 का कोई मतलब नहीं रह जाता नीचे में, तो 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 आपका ऑप्शन नंबर बी में। बढ़ेंगे आगे सवाल में 30। सवाल नंबर 30, यहाँ पे आपको ट्रिगो का ही क्वेश्चन है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस उठाया गया। आप इसे चाहेंगे तो लंबे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको शॉर्ट तरीके से ही बता रहे हैं सारे सवाल को। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है 30 में कि 50 सेंटीमीटर ऊंची मीनार के पाद से 50 √3 मीटर दूरी पर, यानी एक मीनार है उसकी हाइट कितना दिया गया दोस्तों, 50 मीटर, राइट। यहाँ पे कहा गया 50 मीटर ऊंची मीनार, यानी एक मीनार है तो उसकी जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, और उसके पाद से, उसके पाद मतलब उसके बेस से कितना दूरी पे, 50 √3 मीटर की दूरी पे, यानी उसका जो बेस है वहाँ से कितना, 50 √3 मीटर की दूरी पे कोई एक पॉइंट है यानी बिंदु है। मीनार का उन्नयन कोण कितना हो, यानी जो मीनार है इसका उन्नयन कोण अगर हम निकालना चाहें, ये उन्नयन कोण यानी यहाँ पे जो थीटा बनता है वो कितना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, थीटा निकालना है। तो आपको दिया गया क्या क्या दिया गया, इसको कहते हैं पी, और नीचे वाले क्या कहते हैं बी, पी और बी दिया गया। तो पी और बी किस में आता है, तो टैन में आता है, टैन थीटा, और आप जानते हैं पी बटे बी, तो पी दिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमको बी दिया गया, यानी पी और बी से हम क्या निकाल सकते हैं, टैन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो दोनों में कॉमन है काट देंगे, 50 इसमें भी है, 50 इसमें भी, कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा 1, जो ये कट गया 50, तो क्या कितना बचेगा, कुछ नहीं, तो 1 बार, तो 1 यहाँ पे कितना बच गया, √3। आप क्या जान रहे, पी और बी दिया हुआ गया, पी और बी में किसका रिलेशन आता है, टैन का, तो टैन थीटा वाला जानते हैं पी बटे बी, तो पी कितना है 1 और बी कितना है √3। अब यहाँ पे टैन थीटा बराबर 1/3, टैन थीटा बराबर √1/√3 किसका मान आता है, टैन में, टैन 30 का मान, टैन से टैन कट जाएगा, थीटा बराबर कितना बच जाएगा आपका 30 डिग्री। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी में देख लिया, आपका कितना दिया गया 30 डिग्री। थोड़ा सा यहाँ पे हम लॉन्ग चले हैं, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, 1/√3 बच गया, तो 1/√3 किस में, टैन में, तो टैन में 1/√3 किसका मान आता है, 30 का मान आता है, राइट। बढ़ें अगले सवाल की तरफ, और अगले सवाल हमारा अच्छा है, और ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे भी जाते हैं, आपको इसमें करना कैसे है वो देखेंगे। आपको क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, आप ऊपर पढ़ना चाहें क्वेश्चंस को तो पढ़ सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसको फिगर से भी बना सकते हैं। अब देखेंगे जब भी ऐसा फिगर है हमें, तो आपको क्या करना है, इसका जो एक फार्मूला होता है पहले छोटे वाले लेंगे बाहर से बाहर, जैसे बाहर से बाहर कौन है, पी से सी तक या सी से पी तक, तो आप लेंगे सी पी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सी पी, तो एक बार बाहर वाला लिया, फिर एक बार पूरा इसी को अंदर तक लिया, यानी सबसे बड़ा वाला, तो पी डी, हाँ किस में लेंगे, गुना में। तो एक रेखा अगर ले रहे हैं इसको, इस रेखा को अगर बात कर रहे हैं, तो इस रेखा का सबसे बाहर वाला भाग ले लें पहले, तो पी सी या सी पी जो भी लिखना चाहें वो लिख लें, गुने का निशान देंगे, उसके बाद पूरा जो रेखा है बड़ा वाला वो दे देंगे, तो पी डी, तो पी डी बराबर। अब दूसरी रेखा में आएंगे तो इसके भी जो अंदर वाले हैं, सॉरी जो बाहर वाले हैं छोटा वाला वो ले लें, तो बी पी गुने पूरा बाहर वाला और अंदर वाला ले करके, यानी ए पी, ये इसका एक फार्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अंदर वाला यहाँ पे हमें नहीं दिया गया, तो हम इसको मान लेंगे एक्स, और यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछेगा आपसे कि जीवा ए बी की लंबाई निकालें, यानी ए बी जो है यहाँ पे ए से लेकर बी तक जो वृत्त में जीवा का काम कर रहा है, तो वो लंबाई निकालें, यानी एक्स का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ सी पी, तो सी पी आपको कितना दिया गया है, 5 गुना पी डी, पी डी यानी पी से लेकर के डी तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, राइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, और हमको क्या चाहिए पी डी, यानी पी डी ये पूरा, तो 10 यहाँ से यहाँ तक 10, अब 5 यहाँ से यहाँ 5, तो पी डी कितना हो जाएगा, 10 + 5 = 15 बराबर बी पी, बी पी कितना है 3 है, गुना ए पी, ए पी यानी यहाँ से लेके ए से लेकर के पी तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने x माना है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 है, तो आप कह सकते हैं कि पूरा जो रेखा की लंबाई होगा वो x प्लस 3 होगा। अब यहाँ से सिर्फ आप x का मान निकाल लें, भैया आपका आंसर है, तो 3 × 15, तो 5 × 25 बराबर 3 + x, तो x का मान निकाल लेंगे, 25 में से 3 चला जाएगा कितना 22, और 22 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिए गए, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो आपका ज्योमेट्री से सवाल पूछे गए हैं, तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रखेंगे, फार्मूला जो हमने ये दिया है ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे आप, और मैंने जैमिति जो है दोस्तों वो अपने इसी यूट्यूब चैनल पे पूरा बहुत हाई लेवल तक का क्वेश्चन
बना रखा है, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस है, 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। आप एक बार देख लें, फिर ये जो सवाल है आपको वहीं पे मिल जाएंगे और फिर आपको बहुत आसान लगेंगे हर ज्यामिति के सवाल। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लें। बढ़ेंगे 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल भी आपको उसी वीडियोज़ में बताए हैं हमने, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कैसे करना है। करें एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र हमारा क्या है, ओ है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक वृत्त बना लेंगे, उसका केंद्र ओ है तो वो यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे। फिर कह रहा तथा ए ओ बी वृत्त का व्यास है, यानी ए ओ बी एक ऐसा रेखा है और वो क्या रेखा है, व्यास है। ए ओ बी वृत्त का क्या है, व्यास है, यानी उसके केंद्र से होकर जाएगा, व्यास है। ए बी सी 70 है, यानी ए बी सी, सी कहीं पे भी कोई पॉइंट है और ए बी सी कितना होगा, 70। तो मान लेते हैं सी पॉइंट हमारा कहीं नीचे होगा, कोई आप ऊपर भी बना सकते हैं, नो इशू। तो ए बी और सी, और ए बी सी जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 70। तो कह रहा है बी ए सी का माप होगा, यानी बी ए सी, यानी बी ए सी जो कोण बनेगा, बी ए सी ये वाला कोण जो आपसे कह रहा है कि ये वाला कोण का माप कितना होगा। आपको हमने वहाँ पे ज्यामिति का जब सवाल बता रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी अर्धवृत्त हो, अर्धवृत्त हो तो उसका जो एक कोण बनता है वो कितना बनता है, समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री। यानी सिंपल सा आप याद रखें कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर व्यास है और इधर हम बात कर लें तो इधर से नीचे क्या है, अर्धवृत्त ही है इतना, तो ये जो परिधि पे कोण बनाएगा वो समकोण बनाएगा, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90, ये दिया गया 70, तो ये कितना हो जाएगा, 20। चूँकि आपको किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 180। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एक तो आपको दिया गया है कि कोण बी जो है वो कितना है, 70 है, और दूसरा आप थ्योरी के हिसाब से जानना होगा आपको कि जो व्यास होता है वो व्यास जो परिधि पे जो कोण बनाता है वो कितना बनाता है, 90 डिग्री का, यानी समकोण बनाता है। तो ये व्यास ही तो है, ए ओ बी क्या है, व्यास है, तो परिधि पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। ये थ्योरी होता है, थ्योरम होता है, तो उसके थ्योरम के हिसाब से हो जाएगा 90, और ये था 70। तो आपको जो अगला बचेगा वो कितना बच जाएगा, 20। तो आपको जो ए कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 20। चूँकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, 180 में से 90 या 70 को जोड़ करके 160 घटा लें, तो 180 में से 90 या 70 160 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। आगे यहाँ पे 33 नंबर जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है आपसे एक से संख्याओं का औसत बाई है, यानी एक से संख्या है जिसका औसत बाई, यानी सब संख्या क्या क्या है, बाय बाई, यानी एक से संख्याओं को सबको अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, एक्स बाई। ये एवरेज का सवाल है और ये एवरेज पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें आप लोग। तो एक से संख्या है और सबका औसत कितना है, बाई। अगर हम कहें दो संख्याओं का औसत जो है वो 4 है, यानी दोनों संख्या क्या है, 4 4 है, तो क्या करेंगे, 2 गुना 4, 4 2 8। तो आप ऐसे नहीं करें, आप यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को समझें कि यदि एक से संख्याओं का औसत बाई है, यानी जितने संख्या हैं सब बाय बाय है, कितने संख्या, एक्स, तो एक्स गुने बाई, एक्स बाई, और बाई संख्याओं का औसत, यहाँ पे औसत है, औसत। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है आपका कि और बाई संख्याओं का औसत एक्स है, तो बाई संख्या सबका औसत एक्स है, तो टोटल संख्या योग कितना हो जाएगा, बाई प्लस, सॉरी बाई एक्स, अब बटे टोटल संख्या कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बाई। अब इसे सोल्व कर लें तो कितना आ जाएगा आपका, एक्स बाई यहाँ भी, एक्स बाई यहाँ भी, एक, तो कितना आ जाएगा, 2x बाई बटे x प्लस बाई। ये आपके इस सवाल के जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग को, बहुत सारे लोग को यहाँ पे समझ में थोड़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सवाल जो एवरेज का है, और एवरेज जब हम पढ़ाएंगे तो इसको वहाँ पे समझाएंगे। तो यहाँ पे अभी बेसिक से आप समझ लें, जितना संख्या है जो औसत है उसको गुना कर लें, तो एक से संख्या औसत बाई है, तो इसका जो योग हो जाएगा एक्स गुने बाई, यानी एक्स बाई, फिर बाई संख्या सबका औसत एक्स है, तो बाई को एक्स से गुणा कर दें तो बाई एक्स हो जाएगा, तो संख्याओं का योग हो गया बट संख्याओं की संख्या, तो कितना संख्या था, एक्स संख्या था और बाई संख्या था, तो एक्स और बाई को जोड़ देंगे तो एक्स बाई। अब इससे कैलकुलेशन कर लें, एक्स बाई यहाँ, एक्स बाई यहाँ, तो 2x बाई बट x+y, ये आपका आंसर आ जाएगा। 34 नंबर सवाल आपके प्रतिशत चैप्टर से आते हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं उम्मीदवार वाले में, जिसमें हार और जीत का यहाँ पे आपको जिक्र किया जाता है। यहाँ पे 34 नंबर सवाल कर रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत मिलता है। आपको प्रतिशत में एक चीज़ मान के चलना होगा कि जो टोटल होता है वो कितना होता है, 100% होता है, टोटल 100% मान लेना है।
अब मान चलिए कुल जो वोट पड़ा है वो 100% पड़ा है, तो जो जीता है, यहाँ पे हम ऐसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि जो जीता है वो कितना वोट लाया है। यहाँ पे देखेंगे साफ साफ कर, जीतने वाले उम्मीदवार को यानी कैंडिडेट को कुल मतों का 65%, यानी 100 में से कितना नंबर लाया, सॉरी 100 में से कितना वोट लाया है, 65। तो जीता जो है वो 65% वोट लाया है, तो यहाँ से जो हारा होगा अब वो कितना लाया होगा, बाकी जो बचा हुआ होगा वोट, तो 100 में से 65% ही लाया है, यानी 35% कौन लाया होगा, हारने वाला, राइट। तब तो पूरा वोट मिला के कितना हो जाएगा हमारा, 100%। अब यहाँ से जीतने वाला 65% लाया है, तो हारने वाला आपको खुद से निकालना होगा, 100 में से 65 इसका घटा दिया, यानी हारने वाला कितना लाया होगा, 35%। अब हार और जीत का डिसीजन कब होता है, जैसे हम बोले कि हमने लाया 10 नंबर, आपने लाया 15 नंबर, तो आप हमसे कितने नंबर से जीते, तो दोनों का जो डिफरेंट आता भाई, यानी 10 और 15 का डिफरेंट कितना, 5, यानी 5 नंबर से जीते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जीता है वो कितने प्रतिशत नंबर से जीता है, 30% से, चूँकि जीतने वाला लाया 65% और हारने वाला लाया है 35%, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30% है, यानी 30% नंबर से जीता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो कितना मतों से जीता है, 900 मतों से, यानी 900 वोट से जीता है। प्रतिशत में वो जीत रहा है 30% से, लेकिन वोट में जीत रहा है 900 वोट से, यानी 30% का वैल्यू 900। तो आपको क्या कर रहा है, कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या मतलब 100%, हमने बोला था कुल जो होता है वो कितना माना, 100%। तो वही कह रहा है कुल मतदाताओं की संख्या यानी 100% का मान निकालना, तो 100% का मान यहाँ से निकाल लीजिए, 900/30 अगुने 100 का मान निकालना था, 100 काटिएगा तो 30 * 9 यानी 3000, यानी कह रहे टोटल जो वोट पड़े थे वो कितना पड़े थे, 30,000 पड़े थे, जिसमें से 65% जीतने वाला कैंडिडेट लाया और हारने वाला कैंडिडेट 35% लाया। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है 35। यहाँ से आपसे कह रहा है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर है एक मैथमेटिक्स में, उसमें से ये सवाल पूछा गया। अब कह रहा है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, यानी बालू और लोहा है उसके कितना मिश्रण है, दोनों को मिला करके 10 kg है, यानी बालू और लोहा दोनों को मिला दिए तो वो वजन में कितना है, 10 kg है। कह रहा है 20% लोहा है, यानी जो 10 kg है ना इसमें 20% लोहा है, तो इसमें 20% लोहा है, तो 10 का 20% निकालेंगे, तो 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5, यानी आप 5 × 10 यानी 2 kg क्या है इसमें, लोहा है, ठीक है, 2 kg लोहा है, यानी 10 kg में 2 kg लोहा है, तो बाकी का 8 kg क्या होगा, बालू होगा। सहमत हैं आप लोग, क्योंकि अगर 10 kg हमको बालू और लोहा मिला के दिया गया है, जिसमें कह रहा 10 kg में 20% क्या है, लोहा है, तो 10 kg का 20% निकालें, यानी 10 का 20% निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2, यानी 10 kg में 2 kg क्या है, लोहा है। अब इसमें 10 kg में 2 kg लोहा है तो बाकी तो क्या होगा, बालू होगा, यानी 10 में से 2 kg हटा दिया, यानी 8 kg जो बचा, तो 8 kg क्या होगा, बालू होगा। अब यहाँ से कह रहा है कि कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% रह जाए, तो यहाँ पर क्या मिलाया जा रहा दोस्तों, बालू मिलाना है, तो बालू बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, तो घटे या बढ़ेगा कौन नहीं, जो कांस्टेंट है उसी को पकड़ना होता है, बालू को मिलाया जा रहा है, साफ साफ कह रहा है कितनी बालू मिलाया जाए, तो कौन नहीं मिलाया जा रहा है, लोहा, तो लोहा नहीं मिलाया जा रहा, तो लोहा जितना पहले था उतना अब भी रहेगा, तो लोहा पहले कितना था, यहाँ से देखेंगे लोहा पहले 8 kg था, तो 8 kg ही रहेगा, लेकिन कह रहा है कि जब हम उसमें बालू मिला देते हैं तो लोहा जो है वो 10% रहता है, यानी लोहा प्रतिशत में कहा जा रहा है कि लोहा प्रतिशत में 10% रहेगा, लेकिन हम अगर देखें तो लोहा कितना रहना चाहिए, 8 kg, चूँकि मिला रहा है उसमें क्या, बालू मिला रहा है, तो घटे या बढ़े किसकी संख्या बढ़ेगा, बालू का, लेकिन लोहा पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, जितना लोहा पहले था उतना भी रहेगा, तो लोहा पहले 8 kg था, यानी लोहा भी 8 kg रहेगा, लेकिन लोहा प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 10%, यानी लोहा प्रतिशत में 10% रहेगा, लेकिन रहेगा कितना, 8 kg, तो 100% का मान निकाल लीजिए, 100%, अब इसको क्या किया, 10 को 10 से गुणा किया, तो अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो लोहा है वो कितना है, 2 kg है, यहाँ पे 2 कर लेंगे, ये गलती से हो गया, ये 8 kg क्या था हमारा, बालू, तो लोहा यहाँ पे कितना था हमारा, 2 kg, तो यहाँ पे 10 से गुणा किया तो 100 आ गया, तो इसको भी 10 से गुणा किया 20, यानी टोटल मिक्सचर, 100 का मतलब टोटल, टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 20 kg। अब पहले आपके पास टोटल मिश्रण कितना था, 10 kg, अब मिश्रण कितना हो गया, 20 kg, यानी 10 से बढ़ के 20 kg हो, यानी कैसे, आपने जो बालू मिला दिया है तो बालू कितना मिला दें, 10 से बढ़ के 20 हो, यानी 10 kg बालू मिला दें, तब तो 10 से बढ़ के 20 हुआ,
यानी 10 kg आप क्या मिलाए बालू, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा राइट। 36 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है एक घोड़े 20,000 रुपये में बेचने पर, यानी 20,000 रुपये में एक घोड़े को अगर हम बेचते हैं तो 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पे 25% का लाभ होगा यानी 100 + 25 125, तो 125/100 लिखेंगे, 125% को क्या लिखेंगे 125/100, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 100/125 लिखेंगे। कब? चूँकि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जब आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य निकालना हो तो जो भी आपका होल वैल्यू होता है उसको प्लट के गुना करते हैं। तो ये क्या दिया हुआ विक्रय मूल्य, चूँकि 20,000 में बेचने पर है, यानी 20,000 क्या है विक्रय मूल्य, और हमको निकालना है क्रय मूल्य कितना में खरीदा है पहले। तो आप कितना प्रतिशत लाभ दे रहा है 25%, तो 25% लाभ यानी 100 में 25 जोड़ देना था, 100 + 25 कितना 125, और 125% का मतलब कितना होता है 125/100, तो 125/100 को प्लट दीजिए यानी 100 ऊपर 125 नीचे, तो ये क्या निकल जाएगा आपका क्रय मूल्य। लेकिन अभी और आगे कह रहा है कि यदि 40% लाभ पर बेचा जाए, तो 40% लाभ पर बेचेंगे तो ये क्रय मूल्य निकल गया है, तो जितना में आप खरीदे थे 40% लाभ लेना चाहते हैं तो उस पर कितना बेचेगा 140% पर बेचेगा, तो 140% मतलब 140/100% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, इसको आप काट देंगे यहाँ पे, तो पूरा जब आप काट लेंगे तो ये जो काट करके जो दोस्तों आएगा वो 22,400 आ जाएगा, 22,400 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप काट लेंगे कट जाएगा। हम कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहे चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, वैसे हम सिर्फ मेथड और पैटर्न जो है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। बाकी 37 नंबर सवाल साधारण ब्याज से, और इसमें बहुत आप चाहें तो लॉन्ग भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम बिल्कुल एक शॉर्ट फार्मूला देंगे आपको। और ये क्या है, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने 3 गुना अपने धन का, अपने का कह रहा है यानी अपने धन का भी होता है यहाँ पे, धन का 3/2 गुना हो जाता है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो जब भी आपसे ये चीज़ कहे ना साधारण ब्याज में कि इतना गुना हो जाता है, तो जब भी गुना कहे तो आपको अगर निकालना क्या है ब्याज की वार्षिक दर, वार्षिक दर यानी रेट निकालना है। तो जब भी आपको रेट निकालना है, दर निकालना है, तो आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे n-1 × 100/t। इस फार्मूले को सिर्फ आप यूज़ करें आपका बन जाएगा। कब? जब n गुना कह दे या 3 गुना 4 गुना 5 गुना 3/2 गुना, मतलब गुना का जिक्र आ जाए और उसमें क्या कहे आपको टाइम दिया रहा है दर पूछ दे, तो आपको ये फार्मूला याद करना कि दर निकालना है तो n-1 × 100/t। तो n क्या होता है जितना गुना होता है वो, तो कितना गुना हो रहा है 3/2, तो 3/2 -1 है तो -1 100/t, तो 100 और t कितना, t मतलब समय, तो समय कितना है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 20, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। इसको जब फ्रैक्शन को सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और गुना में इधर कितना आ गया था 20, तो जब आप इसे कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी जो रेट होगा यानी जो दर होगा वो कितना प्रतिशत आ जाएगा 10%। तो इसके लिए आप सिंपल से एक फार्मूला यूज़ करेंगे, और ये कई बार पूछा है NTPC में भी हम लोग से पूछा गया था, इस तरह के बहुत सारे सवाल आए थे जिसमें आपको कहेगा इतना गुना हो जाता है, तो आप इसे यूज़ कर लेंगे इस फार्मूले को। अब 38 नंबर सवाल जो है वो भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिला करके दिया गया, और इसे बहुत अच्छे से सवाल है, इस सवाल को बहुत टफ माना जाता है अगर वास्तविक में आप हमसे पूछे तो, लेकिन यहाँ पे टफ को हम बहुत इजी बनाने वाले, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। अब मेरी बात सुनिए, खैर अगर कोई धनराशि है उसको हम 12.5% की दर पर लगाते हैं तो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 510 रुपये होता है। तो आप बताइए कि उसी धन का उसी ब्याज के हिसाब से उतने ही साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यानी सिर्फ आपको चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल के आप उसका साधारण ब्याज निकाल दीजिए कितना होगा। तो आपको ऐसे ये सवाल काफ़ी लंबा बनता है, लेकिन हम शॉर्ट में बता रहे हैं यहाँ पे, और हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे 12.5%। तो जो भी आपको प्रतिशत में दिया गया है उसको आप तोड़ लें, तो 12.5% का वैल्यू हम आपको प्रतिशत जब पढ़ाएंगे वहाँ पर याद करवाएंगे, 12.5% का मान होता है 1/8, तो 12.5% का मान होगा 1/8, और नीचे वाला जो होता है इसको आप क्या कर लें स्क्वायर कर लें, तो 8 का जो हो जाएगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो 64 हो जाएगा। अब 64 का जो एक साल का ब्याज होगा वो एक साल का ब्याज कितना 12.5%, तो 12.5% मतलब 1/8, तो 64 का 1/8 निकालें, तो 64 का 1/8, तो
64, यानी कितना 8, तो एक साल का ब्याज आ गया 8। अब साधारण ब्याज माने या चक्रवृद्धि ब्याज माने, चूंकि एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो एक साल का अगर साधारण ब्याज निकालते हैं तो 8 आता है, तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे तो वो भी 8 आएगा। चूँकि आप जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ेंगे, चाहे हमसे या किसी से भी, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और एक साल का साधारण ब्याज दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो नीचे वाले को सबसे पहले वर्ग कर देना है, तो 68 64, तो 64 का जो एक साल का ब्याज होगा, तो एक साल का ब्याज कितना प्रतिशत में जो है दर, उसका वैल्यू कितना 1/8, तो 64 का 1/8 कितना ब्याज मिल जाएगा 8। तो एक साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज मान ले तो 8, साधारण ब्याज भी मान ले तो 8। अब यहाँ पे अगर इसको साधारण ब्याज मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8 है, फिर अगले साल फिर जो चक्रवृद्धि ब्याज मिले, चूँकि यहाँ पे कितने साल का बात किया, 2 साल का, तो एक साल में तो 8 रुपया मिलता है, चाहे साधारण ब्याज मान ले या चक्रवृद्धि ब्याज मान ले, लेकिन फिर अगले साल का, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज, यानी अब जो 8 रुपया ब्याज मिला था पहले साल उस पर भी ब्याज लगेगा। तो 8 का फिर से ब्याज लगेगा कितना, 12.5%, यानी 1/8, तो 8 का 1/8 लगेगा तो कितना 1। अब आपका देख लीजिए कितना हो गया टोटल सी आई का, अगर हम बात कर लें तो पहला साल जो मिला 8 रुपया, दूसरे साल भी 8 रुपया, और एक बार ब्याज पे ब्याज मिला 1 रुपया, यानी टोटल कितना मिल गया 8 8 16 और 1 कितना 17। लेकिन साधारण ब्याज कर ले, 2 वर्ष का कितना हो गया, पहले वर्ष में भी 8 मिलेगा, दूसरे वर्ष में भी 8 मिलेगा, यानी 16। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ जो साधारण ब्याज दिया हुआ वो 16, चक्रवृद्धि ब्याज जो आ रहा है वो 17, किस में आ रहा है, वो हमारा रेशियो में आ रहा है। तो 17 हमारा मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में, लेकिन 2 साल में यहाँ पे कितना दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज आपका 510। तो 17% मतलब हो गया 510, तो आपको क्या कह रहा है साधारण ब्याज। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे, साधारण ब्याज 16 का मान निकालना, तो 510/17 × 16, तो 17 51 31 और 16 43 48, यानी कितना 480 रुपये, तो 480 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटी समझे, अगर नहीं समझ में आएगा तो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेट है और सेट में हम ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा इभव लगता है। अब यहाँ पे दोस्तों 39 जो है, 39 को हम बहुत आसान सा सवाल है, अगर ए किसी काम को 8 घंटे में तथा बी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है, यदि दोनों काम करे तो काम कितने घंटे में पूरा होगा, एकदम बेसिक सा सवाल है टाइम एंड वर्क का। ए कह रहा है 8 घंटे में अगर कर सकता है तो बी उस काम को 12 घंटे में कर सकता है, दोनों मिल करके, यानी ए प्लस बी मिल करके काम करे तो कितने घंटे में करेगा। इसका एक फार्मूला आता है कि इसका फार्मूला आता है ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ए बी यानी ए कितने घंटे में कर रहा है 8 घंटे में, तो 8, अब बी कितना 12, और 8 + 12 तो कितना हो जाएगा 8 × 12/12 = 20। इस कैलकुलेशन कर लें, 2 × 4 = 5 × 12 = 24 कर लेंगे तो आपके यहाँ पे आ जाएगा 5 × 20 = 24 = 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपके इसके राइट आंसर आएंगे। इसका फार्मूला रखेंगे, एक काम कितना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में कर लेगा, तो दोनों का जो समय है उसको गुणा करके बटा दोनों को समय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपको करना क्या होगा, अब यहाँ पे देखेंगे आपको दिया गया कि 20 मिनट देर से पहुँचेगा, 20 मिनट देर से, देर क्या है, समय का अंतर है, चाहे देर कह दें या पहले कह दें, देर या पहले मतलब उसके समय का अंतर को बता रहा है। करें अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने दफ्तर जाएगा, तो जितना उसका चाल था, चाल को अगर 5/6 चाल से चलेगा तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। अब यहाँ पे क्या है, समय का अंतर है, तो समय का अंतर बराबर समय का अंतर, एक फार्मूला हम बताएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे, समय का अंतर बराबर, इधर भी हम क्या लेंगे, समय का अंतर ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समय का अंतर जो है वो 20 मिनट, लेकिन इधर भी हमको समय का अंतर ही लेना होगा। तो समय बराबर क्या होता है, आप पढ़ें समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी हमको निकालना ही है। दूरी को हम मान लेते हैं क्या है, 1 है, या आप एक्स भी मान सकते हैं कि दूरी मान लेते हैं 1 है। तो अब यहाँ पे समय का अंतर लेना, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी अगर 1 है तो चाल कितना होगा, चाल आपका है 12, लेकिन आपको कह रहा है किस चाल से चले, जो भी वास्तविक यदि चाल वह 5/6 चाल से चले, तो पहले चाल कितना था 12, तो 12 का 5/6 चाल से चलेगा, यानी 6 × 12 5 ×
10 यानी आप 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ना चल करके किस चाल से चले, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चले, चूँकि साफ साफ कह रहा है जितना चाल था उसका 5/6 चाल से। तो पहले चाल था 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तब उसका 5/6 निकाले, तो 12 का 5/6 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब वो किस चाल से चल रहा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1/10 माइनस ये क्या हो गया, समय निकला, समय बारे क्या था, दूरी बटे चाल, दूरी है मान लिया 1 है, चाल कितना था 10, लेकिन एक और चाल जो था आपको कितना था 12, तो यहाँ पे भी समय का अंतर है, तो समय का अंतर दूरी बटे चाल, फिर से वही दूरी को, लेकिन अगर किस चाल से 12, और समय का अंतर कितना है 20, तो 20 मिनट में है घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड किए, तो 20 23 60 आ जाएगा आपका। इसे आप सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12 20 के एलसीएम सा सॉरी 10 और 12 के एलसीएम 60, तो 10 6 के 60 और 12 5 60 बराबर 1/3। अब यहाँ से आपका आ जाएगा 1/60 बराबर 1/3, तो 3 से काट दे 20, अब 1 बराबर 20 जाके 1 से गुना होगा तो 20। अब 1 को क्या माने थे, अब दूरी, तो दूरी कितना निकल गया 1 का मान 20, तो 20 आपके क्या आ जाएंगे इस सवाल के राइट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ए रेशियो बी का मान दिया गया है, अब बी रेशियो सी का भी मान दिया गया, यानी ए बी सी का आप मान निकालें, तो ए बी सी का जब मान निकालेंगे तो ए रेशियो बी 2:3, अब बी रेशियो सी है 4:5, तो बी रेशियो सी के नीचे लिख लें 4:5, और ये जो हम अनुपात मानो पाँच जो चैप्टर है उसमें बताया जाता है ये चीज़, ए बी सी निकालना है, तो ए बी को एक साथ लिखिए और बी सी को उसके नीचे लिखिए, तो 4 2 8, हाँ इसको इससे गुना किया जाता है 4 2 8, फिर इसको नीचे किया जाता है 3 4 12, और फिर लास्ट को लास्ट से यानी 5 3 15, यानी ए का मान 8, बी का मान 12 और सी का मान 15। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था कि ए बी यानी ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, ए प्लस बी, तो ए का मान है 8 प्लस बी का मान है 12 रेशियो, बी का मान कितना आ गया 12 प्लस सी का मान कितना है 15। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, 12 8 20, आप 15 12 27, यानी आपका कितना आंसर आ जाएगा 20:27, तो 20:27 इसको कर लेंगे राइट। 42 नंबर सवाल पढ़ते हैं, तो 42 नंबर आपसे कहता है कि ए प्लस बी बराबर दिया गया आपका, ए प्लस बी बराबर दिया गया है 7 और ए बी बराबर दिया गया 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े तो ए प्लस बी दिया गया 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपसे पूछ ही रहा है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप रहने देंगे 2ab, तो 2 और ए बी का मान कितना है 12, तो 12 डाल देंगे, यानी कितना आ जाएगा 7 7 49 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12 2 24, तो आपसे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही मान निकालना है, तो 49 में से 24 जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 25 ऑप्शन नंबर बी में राइट। 43 नंबर सवाल पढ़ते हैं, बस 44 तक ही हमारा मैथमेटिक्स यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। यहाँ पे 43 नंबर अलजबरे का सवाल ये भी है, और यहाँ पे कह रहा है एक्स माइनस 1/x का मान जो है वो 1/2 है, तो आपसे कह रहा है 4x² + 4/x² का मान निकाले, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं देखेंगे, 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो 4 कॉमा अगर ले लेते तो इसमें कितना बच जाएगा 1² प्लस इसमें कितना बच जाएगा 1/x², क्योंकि 4 इसमें भी कॉमन निकल जाएगा इसमें भी निकल जाएगा, तो इसमें निकलेगा तो 1² बच जाएगा, हाँ प्लस इसमें 4 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/x² आ जाएगा, यानी 4। अब हमको यहाँ पे मान चाहिए 1² + 1/x² का, तो ये मान कहाँ से आएगा यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे हमारा दिया गया था एक्स माइनस 1/x बराबर कितना 1/2, हमको क्या चाहिए 1² + 1/x², इसको आप क्या किए स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x² माइनस 2ab, तो 2 a x है बी कितना है 1/x है कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, यानी 1² + 1/x² माइनस इधर 2 है तो इधर 1/4 था, तो 1/4 और माइनस इधर में तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 9/4, यानी आप कह सकते हैं 1² + 1/x² का मान कितना 9/4। यहाँ पे भी तो आपको वही कह रहा था कि 1² + 1/x² का मान चाहिए,
तो 4 था और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकाल के लाया है 9/4, तो यहाँ पे गुणा रहता है तो 9/4 से गुणा कर दें, 4 से 4 कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, राइट। बढ़ते हैं आज के जो लास्ट सवाल है वो सवाल की तरफ, बहुत छोटा सा सवाल है। तो यहाँ पे जो 44 नंबर सवाल कह रहा है, विविक्तकार यानी डिस्क्रिमिनांट क्या है। ये डिस्क्रिमिनांट यानी आप पढ़ेंगे डी बराबर B² - 4AC, ये आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे हिंदी जो वर्ड दिया गया वो थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया गया। तो B² B कौन होता है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है वो A होता है, और यहाँ पे एक से साथ जो गुना होता है वो B होता है, लास्ट में जो कॉन्स्टेंट होता है वो C होता है। ये चीज़ें पता होगी, नहीं होगी तो जान लीजिए। जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है वो A का मान होता है, जो एक्स के साथ गुना होता है वो B का मान होता है, जो कॉन्स्टेंट होता है वो C का मान होता है। तो B² तो B का मान जो एक्स के साथ गुना है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो गुना है, तो 1² - 4AC। ए के यहाँ पे मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना, कुछ नहीं यानी 1 तो है। सी सी का मान भी कितना है, 1, इसे कैलकुलेट कर लें। 1² 1 - 4 को 1 1 से गुना करेंगे तो 4 आपका कितना आ जाएगा, -3, और -3 ऑप्शन नंबर बी में। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप जो मैथमेटिक्स है इसे आप बिहार SSC में बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह की हर वीडियो हमारे देखने के लिए इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल उसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप अपना स्कोर काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आप अपना स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में, और इसी चीज़ का हम रीजनिंग की भी जो क्वेश्चन है उसको भी बिल्कुल शॉर्ट और ट्रिकली तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।